अब इनको सुप्रीम कोर्ट सही नहीं लगता, इनको संविधान सही नहीं लगता, अगर इनको देश में कुछ भी सही नहीं लगता है तो देश में हो क्यों भाई। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि नोटबंदी जो की थी वो सही की थी सरकार ने, आपको क्या लगता है? गलत की थी, गलत की थी। काला धन कहाँ है? काले धन के लिए की थी? नहीं नहीं, काले धन कहाँ है? काला धन जो हमारा कमाया हुआ था वो काला धन था क्या? 98% पैसा वापिस आया, जो छपा था वो वापिस आया। 2% पैसा वो जो गल गया, फल गया, फट गया, सड़ गया, वो पैसा वापिस नहीं आया। मतलब 100% भी पैसा वापिस नहीं आया, जो छपा था वही वापिस आया। वो काला धन कहाँ है मेरे भाई? भाई जिसको जिसको नुकसान उसको, जिसके हराम भी कमाए थे दो चार बोरा चला गया भाई, हमारे तो फायदा हुआ। हमारे साथ ये हुआ था भाई साहब, मेरे घर पैसा लगाने था, एक बार बैंक में हमारे पास 1000 के नोट, मैं बता रहा हूँ, हमारा 1000 के नोट डुप्लीकेट आ गया था भाई साहब, बैंक में जमा नहीं कर पाया, हमारा काम खराब हो गया था उसके चक्कर में। बढ़िया हुआ कम से कम 2 नंबर धंधा तो बंद हुआ, जिसकी 2 नंबर कारोबार, 2 नंबर पैसा था हराम का, उसको जलाया बोला गया। आज 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 नकली नोट नहीं चलते? नहीं चल, अभी तक तो नहीं आया भाई साहब। क्या है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत होना चाहिए, बिल्कुल स्वागत। मोदी सरकार ने जो किया बहुत अच्छा किया, नहीं नहीं गलत है, गलत है, वो इनकी राय है, ये कांग्रेस वाले हैं। सरकार जो करेगी, ये मेरे भाई हैं, ये बीजेपी को, ये लगातार हारते हैं और हारते रहेंगे, मेरे भाई बीजेपी को समर्थन करते हैं। ये बीजेपी जो करेगी वो गलत भी अगर करेगी तो वो सही है इन भाइयों के लिए, जो गलत भाई। सुप्रीम कोर्ट भी इनके अनुसार बीजेपी का है। अगर जनता नहीं जवाब देगी तो वो बीजेपी के समर्थक हो गए। सही जवाब दो ना आप, सही जवाब दो, दो फायदे बता दो मुझे आप नोटबंदी के, गुलाम हो जाऊंगा। मैंने बताया ना आपको, 266 लोग, 266 लोग जो लाइन में लग के मर गए, क्या कसूर था उनका? इनका कोई आंकड़ा नहीं है, कोई प्रमाणिक आंकड़ा नहीं है, तो कोर्ट में आज बात आती, ये बात भी उठती, कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं करी है। अगर इनका कोई आर्ग्यूमेंट है दोबारा डिट डाल दे, सारी कैंसिल होगी। एक बात हो, पहले मेरे 2000 नकली नोट निकले 500 रुपए के, आज तक बैंक ने वापस नहीं लिए। जो पैसा 39 रुपीज का एक नोट आता है, जो कागज हम विदेश से मंगाते थे वही पाकिस्तान मंगा के नोट छाप रहा था। डीमोनेटाइजेशन करना जरूरी था। ये जो मेरे भाई है ना, ये जो मेरे भाई है ना, ये अच्छा तर्क दे रहे हैं। पता क्या है, 1000 का नोट और 500 का नोट आज भी हमारे जहन में वो बैठा हुआ है, हम उसकी असली नकली की पहचान बता सकते हैं। आप बताइए अभी इस नए नोट की पहचान आप बता सकते हैं क्या, या 2000 के नोट की आप पहचान बता सकते हैं क्या? नकली नोट आने बंद हो गए हैं। और सुनो, नकली अगर आएंगे भी तो पकड़े नहीं आ रही है, इनके पेट में एक और दर्द होने वाला है। गांधी को ही समाप्त कर दिया है। ये देखो, ये मेरे भाई की देखो, भारत जोड़ो, मैं कह रहा हूँ होता है सर, कचरे में जाते हैं, कबाड़ी की दुकान पे जाते हैं, मीट की दुकान पे जाते हैं, गांधी अहिंसावादी है ना? नहीं, मैं बोलता नहीं हूँ वैसे, लेकिन इन्होंने कहा है ना गांधी जी का, जो लोग अपने आप को गांधी जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखो हर जगह गांधी जी का नोट जाता था, दुख होता था। अब डिजिटल करेंसी आएगी या ऑनलाइन पेमेंट होगी तो गांधी जी कहीं नग्नता पे नहीं देखे जाएंगे। ये देखो बताऊं मैं आपको भाई साहब, यही है असली विचारधारा कि नोटबंदी से क्या फायदा बता रहे हैं कि आप गांधी को ही समाप्त कर दिया, जो जिसको गांधी जी का जो नाम था, जो चेहरा था ना, गांधी जी को ही हटा लिया इन्होंने। ये यही डिजिटल करेंसी में यही मानसिकता बीजेपी की है और रहेगी। फायदा मैं बताऊंगा, ठीक ना, मेरे मोहल्ले में लेबर चौक है, पहली बार एक चाय वाले ने एक कोठी वाले को अपना बैग झोला में पैसा लेके आके एक गरीब के पैर में गिरने के लिए मजबूर हो गया और कहा कि भैया मेरी नोट भी लाइन में लगा के थोड़ा बदल दो। वह कहा कि बाहरे हमारा प्रधानमंत्री, बाहरे चाय वाला, आज हम देखते थे बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाते थे, कभी चेहरा हमारा नहीं देखते थे। ब्लैक होगा वो पैसा, तो ब्लैक होगा ना। सुनो मेरे भाई, बोलने तो दो, आईएन के हिसाब से बात ही नहीं होने देंगे। देख रहे, पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात तो, अरे पूरी बात तो सुन लो। देखिए इनके पेट में दर्द हो गया, आप ये बोल रहे थे तो मैंने बोला, नहीं बोला ना? आरबीआई झूठ बोलती है। सर नोटबंदी पे फैसला, पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ना, वो हमारे भारत के संविधान का मोदी विरोधियों नहीं, देश विरोधियों के मुंह पे तमाचा है।
ये संवैधानिक फैसला है, ये तमाचा है इन जैसों पे। अरे सर उस पे वोट हो गया, अब इनको संविधान गया, अब इनको सुप्रीम कोर्ट सही नहीं लगता, इनको संविधान सही लगता। अगर इनको देश में कुछ भी सही नहीं लगता है तो देश में हो क्यों भाई, देश में सही हो। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।